ये एक मंजिल है, तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment, and another is excellence. This is what we are known for. Kamyabi ki raah par hazar se bhi zyada nishan. GS Score. Hello everyone. My name is Manan Agarwal. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. I have secured All India Rank 46 in UPSC Civil Services Exam 2022, and my optional was Mathematics in this exam, and this was my third attempt. Mere first attempt mein I had written mains and appeared in the interview. In the second attempt I could not clear prelims, aur jo mera ye third attempt hai, in this I got the rank 46. So इस वीडियो में मैं अपनी GS4 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट मेंस में मेरा GS4 में स्कोर वाज 86 और जो सेकंड मेंस था मेरा थर्ड अटेम्प्ट वाला ये वाला, इसमें मेरा स्कोर था 107। सो मैं अपनी कुछ जो एक्सपीरियंस था दैट वो शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैंने आई कुड इम्प्रूव माई स्कोर फ्रॉम 86 टू 107। सो फर्स्ट ऑफ ऑल GS4 में हमें जब सिलेबस हम देखते हैं कई सारी चीज़ें हमें लगती हैं कि बहुत आसान है, और कैसे हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इसके लिए इसमें आपको यही करना है कि सिलेबस जो GS4 का है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एथिक्स के पेपर से आए हैं उनसे आप स्टार्ट करिए, और एक बार एक जनरल रीडिंग कर लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या एस्पेक्ट UPSC टेस्ट कर रहा है, और किस तरह से पैटर्न भी चेंज हो रहा है। इनिशियली बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते थे, अब थोड़े इन्वॉल्व क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2022 का जो पेपर था उसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस भी पूछे हैं उन्होंने। तो इस तरह से आप एक जनरल अवेयरनेस अपने माइंड में रखिए कि UPSC अलग अलग तरह से हमें टेस्ट कर सकता है GS4 के टॉपिक पे। जब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कई सारे हमें कंटेंट मिलते हैं कि ऑनलाइन हम सर्च कर सकते हैं, वीडियोज़ मिलते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको जो भी सिलेबस में टॉपिक्स मैंशनड हैं उनकी एक बेसिक डेफिनेशन और एग्जाम्पल इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए, और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जब को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब अपने आप आपकी प्रैक्टिस बन जाती है कि कैसे मुझे जो मैंने डेफिनेशन से एग्जांपल्स हमने देखे हैं या सिविल सर्विसेज में कैसे अप्लाई होते हैं वो एग्जांपल्स, उसको हम कैसे लिंक करें कि एक अच्छा आंसर क्रिएट कर पाएं। नेक्स्ट अब इसकी बात करना चाहूँगा कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट मेंस से सेकेंड मेंस में क्या चेंजेस करे अपनी GS4 की स्ट्रैटेजी में, और मुझे लगता है जो थोड़ा डिफरेंट था बाकी अप्रोच से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टॉपिक्स अभी मैंने जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन करे जो सिलेबस से हमें टॉपिक्स देखने हैं उसकी एक आप टेबल बना लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल लीडरशिप, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, इस तरह की वैल्यूज मेंशनड हैं। तो एक टेबल बना लीजिए, इसमें इन वैल्यूज़ की डेफिनेशन बहुत क्रिस्प और सिंपल होनी चाहिए, और सबसे पहले ये आपको समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है और कहाँ ये एक्चुअल में अप्लाई होता है। फिर उसको अगर कोशिश करिए अपने ही वर्ड्स में आप लिख लीजिए उस टेबल में। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल्स इंट्रोड्यूस करिए कि जैसे लीडरशिप के क्या एग्जाम्पल्स हैं, आप किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के या किसी सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर सकते हैं, और फिर अपनी पर्सनल लाइफ से उन एग्जाम्पल्स को मेंशन करिए कि आपने लीडरशिप कहाँ दिखाई थी, और इसी तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ करीब 15-20-30 जितनी वैल्यूज़ आपको लगती हैं आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर्स में पूछी गई है या सिलेबस में मैंशनड है उनके लिए आप एक टेबल बना लीजिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही एग्जाम्पल मल्टीपल वेज में यूज़ हो सकता है, थ्योरी में, केस स्टडीज़ में, दोनों जगह यहाँ से एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस काम आएंगी। तो ये आपकी एक बेसिक फ्रेमवर्क बन जाता है जो आपका माइंड हमेशा रेफर करेगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस समय। सेकेंड जो मैंने क्या करा था कि मैंने एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बना दी थी, जैसे ये टेबल में तो हमारी 20-25 वैल्यूज़ होंगी, इसके बाद भी केवल वैल्यूज़ के नाम आप 30-35-40 जितनी भी वैल्यूज़ आपको टेस्ट सीरीज़ में कहीं आप देखते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सिलेबस में, उसकी केवल आप जो टर्म्स हैं उनकी लिस्ट बना लो, 40-45-50 जितने भी टर्म्स हो रहे हैं, और उस लिस्ट को मैंने प्रिंट लेके अपनी स्टडी टेबल के पास में चिपका दिया था, और रोज सोने से पहले मैं 5 मिनट केवल वो लिस्ट बार बार पढ़ता था। इससे क्या होता है क्योंकि हमारी जो नॉर्मल वोकैबुलरी होती है उसमें एथिकल टर्म्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट जब हम ये 50-60 इस तरह के टर्म्स बार बार पढ़ते हैं
रिपीटेडली तो हमारी वोकैबलरी में ये वर्ड्स आ जाते हैं, और आई थिंक जब हम उसको अपने आंसर्स में भी इंक्लूड करते हैं इस तरह के वर्ड्स को, एथिकल वर्ड्स को, तब हमारी आंसर शीट किसी नॉर्मल आंसर शीट से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम, क्योंकि ये एथिक्स का पेपर है, थोड़ा सा इसमें एथिकल एस्पेक्ट हमें अपने आंसर्स में प्रेजेंट करना होता है। तो एक आप इस तरह की लिस्ट बना सकते हो। सेकंड, मैंने क्या किया था कि पहले से प्रिपेयर कर लिया था कि डिफरेंट किस टाइप की केस स्टडीज़ पूछी जा रही हैं और उन केस स्टडीज़ के लिए क्या मेरा अप्रोच रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो या टेस्ट सीरीज के पेपर्स देखो, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि राइट कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हुई है तो उसमें क्या करेंगे। इसके लिए मैंने पहले से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अप्रोच बना ली थी। जैसे शॉर्ट टर्म में इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 ऑफ CRPC, सेकेंड कि हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। फिर मीडियम टर्म में हम कर सकते हैं कि कम्युनिटी मीटिंग्स कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में हमारी अप्रोच होती है कि कैसे ये इवेंट फिर से फ्यूचर में ना हो, इसके लिए हम प्रिवेंटिव स्टेप्स या क्यूरेटिव स्टेप्स हम लें, सो दैट लॉन्ग टर्म व्यू हम लेके आए। तो ये हो गया राइट कंट्रोल के लिए। इसी तरह से और भी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट करना है, या फिर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें करना है, या डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो इन सब इस तरह के 6-7-8 टॉपिक्स आप यूज़ कर सकते हो, लिस्ट डाउन कर सकते हो, और उसमें आप देख लो कि क्या हमारी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अप्रोच होगी, क्या टर्म्स आप मेंशन करोगे, सो दैट आप, क्योंकि हमें केस स्टडी सॉल्व करने में 15 मिनट्स मिलते हैं, उसमें से 4-5 मिनट केवल केस स्टडी पढ़ने और समझने में चले जाते हैं, बेरली 10-11 मिनट हमें लिखने के लिए मिलता है आंसर, उसमें हमें सोचना भी होता है और लिखना भी होता है, और एक केस स्टडी जनरली 250 वर्ड्स की दी जाती है। तो 10 मिनट में एक इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रेजेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए हम जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन पहले से करके जाएंगे और रेडीमेड मटेरियल रखेंगे, उतना काम हमारा आसान हो जाएगा एग्जामिनेशन में, और हम बहुत अच्छे से हम अपना आंसर प्रेजेंट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया रेडीमेड प्रिपरेशन का, कि आप पहले से कितने एस्पेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह से आप कुछ टर्म्स की लिस्ट बना सकते हो, जैसे कंपैशनेट कैपिटलिज्म हो गया, पीपल प्रॉफिट प्लैनेट अप्रोच हो गई, या शेयर होल्डर टू स्टेक होल्डर अप्रोच हो गई। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हम टेस्ट सीरीज के मॉडल सॉल्यूशंस में भी देखते हैं, या आप न्यूज़पेपर में कहीं आप पढ़ते हो। तो इस तरह के टर्म्स भी आप लिस्ट डाउन कर लो कि अगर कोई बिजनेस के ऊपर केस स्टडी आई तो वहाँ पे मैं ये टर्म यूज़ करूँगा, अगर वुमेन पे आई तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर वुमेन आर प्रोटेक्टेड गॉड रिसाइड्स देयर। इस तरह से इसका हिंदी इसका संस्कृत में भी जो श्लोक है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। सो ये जितने सारे आप इस तरह के टर्म्स पहले से तैयार रखोगे, उतना हम अच्छे से अपने आंसर्स फाइनल एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे। और फाइनली एक और एस्पेक्ट को मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि है कि बहुत फास्ट लिखने की भी ज़रूरत होती है एथिक्स के पेपर में। जैसे इस बार मुझे याद है कि मैंने केस स्टडीज से स्टार्ट किया था, और मैंने एलोकेट किया था कि 1-30 मिनट्स में मैं केस स्टडी सॉल्व करूँगा, और नेक्स्ट 1-30 मिनट्स में जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करूँगा। पर क्योंकि केस स्टडी थोड़ी लेंदी थी, तो 1-45 मिनट्स मुझे लग गए केवल 6 केस स्टडी सॉल्व करने में, और बेयरली 75 मिनट्स बचे थे और उसमें थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने थे, 13 क्वेश्चन 6 मिनट्स पर क्वेश्चन हमने, और मैंने जब प्रैक्टिस करी थी तो 7 मिनट्स का टाइमलाइन लेके प्रैक्टिस करी थी कि 90 मिनट्स मिलेंगे, बट एक्चुअल एग्जाम हॉल में इससे कम हो गया था। लेकिन क्योंकि एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी थी एक्चुअल मेंस के पहले, घर पे जो मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करी थी, इस वजह से समहाउ मैं मैनेज कर लिया कि मैं सारे 13 क्वेश्चंस के एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर लिख पाऊँ। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपीरियंस से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर घर पे ये प्रैक्टिस करोगे कि 6-6.5 मिनट्स का टारगेट लेके चलें अपने थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, और आप मल्टीपल आंसर्स लिखिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिखिए, चाहे टेस्ट सीरीज से लिखिए, और अगर आप फुल लेंथ 3 आवर का टेस्ट नहीं भी देना चाह रहे तो आप केवल 90 मिनट्स में सेक्शनल जो थ्योरी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिए, या आप 50 मिनट्स में कुछ 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल हो, बट आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहिए, और इससे आपकी हाथ की मसल्स भी इम्प्रूव होंगी और सभी GS पेपर्स में इससे आपको हेल्प मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई GS4 स्ट्रैटेजी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई स्ट्रैटेजी, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।